हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आपके अपने चैनल शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये उड़ली मंगाई थी। संजोग की बात है कि ये उड़ली दीपावली वाले दिन 12-11 बजे मुझे पहुंच गई थी और मैं आपको आज उसी दिन का ही ये वीडियो है। तो ये उड़ली की पैकिंग मैंने खोल दी थी देखने के लिए कैसी उड़ली निकली है। तो इसका पैकिंग आप देख लीजिए, बहुत अच्छी है और उड़ली मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैंने मंदिर में रखने के हिसाब से मंगवाई थी। ये पीतल की है, ब्रास की है और इसका जो साइड में स्टैंड देख रहे हो बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से काम किया हुआ है। आप देख लीजिए नीचे से ऊपर से, जैसे मतलब एक बड़ी उड़ली होती है ना इसी तरफ से, और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है उड़ली का, आप देख सकते हैं। और इसकी चमक और इसकी जो लेंथ है मेरी अंगुली के हिसाब से आपको पता चल गई होगी, और चौड़ाई भी आप मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हो, इस तरह से इसकी चौड़ाई है। और गहराई भी मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको गहराई भी बता देती हूँ। ये पीतल की बनी हुई है, ब्रास बोल सकते हो, पीतल। इसकी गहराई एक अंगूठे जितनी है, आप देख सकते हो वैसी ही है। इसका वेट भी बहुत अच्छा है। और अगर आप मंगवाना चाहते हो मंदिर के पर्पस से कि आप मंदिर में रख सकते हो, छोटी सी पानी और थोड़ा गुलाब जल और थोड़े से फूल डालकर, तो बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है मंदिर में। और आप बड़े साइज़ में भी मंगवा सकते हो, इसे सोफीस की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये मेरे को 300 कुछ ऊपर पड़ी है इसका प्राइस। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो मेरे को बहुत ही अच्छे दिन मिल गई है, मैंने सोचा नहीं था दीपावली तक आ जाएगी, लेकिन ठीक है ये आ गई। बहुत ही अच्छी इन्होंने वो काम किया है। और ये देखिए फूल वगैरह डालकर मैंने मंदिर के पास रख दी है, और कितनी सुंदर